फ्री पॉज क्रेडिट सीन बाय। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं हूं आपका दोस्त अनु। और गाइस आज है 16 दिसंबर और ये व्लॉग मूवी व्लॉग होने वाला है। सो आज है 16 दिसंबर और आज एक बड़ी मूवी रिलीज हुई है, अवतार 2। अवतार 1 जब आई थी जब मैं 5-7 साल का था, सो वो टाइम मैंने मूवी देखी थी लेकिन मुझे उतना समझ नहीं आया था। बट मैंने अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही फिर से वो मूवी देखी तो मुझे काफ़ी मज़ा आया मूवी में, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था अवतार 2 के लिए। सो फाइनली वो दिन आ गया कि मैं अवतार 2 देखने जा रहा हूँ। और अभी 7 बज रहे और 7 बजे का ही पहला शो था, बट थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठा तो 7 बजे का शो मिस हो गया। और अभी कोई फ्रेंड भी नहीं है मेरा इधर, तो मेरा अकेले ही जाना पड़ेगा। बट सल्लू मेरे को सिनेमा पे मिल जाएगा, वो उधर ही है। सो मेरे को 8 या 8:30 बजे का शो मिल जाएगा। लोग में एंड तक रहना। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी मज़ा आएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो निकलते थिएटर के लिए। गाइस मैं थिएटर तक आ चुका हूँ। ये पीछे जो दिख रहा है वो थिएटर ही है और सल्लू भी यहीं है। मैं कहा था कि जैसा कि वो राज्य राइस पे बैठा है का मतलब थिएटर के पास ही बैठा है वो। सो सल्लू और मैं हर मूवी देखते हैं। जो भेड़िया मेरे साथ नहीं देख पाया था तो बहुत गुस्सा था वो टाइम पे। सो अभी देखेंगे अवतार 2, तो चलते हैं। 7:56 हो रही है और 8 बजे का शो है, तो 4 मिनट है हमारे पास। अभी हमें टिकट लेना है, स्क्रीन में जाना है, बहुत काम है। सो चलते ऊपर। 5 minutes later 7:08-8:06 हो गई है और 8 बजे का सौदा 6 मिनट लेट हो गए। रील वगैरह बना रहे थे क्योंकि हम लोग जब भी मूवी देखने आते तो नीचे 1 take रील बनाते हैं। टिकट लेंगे जल्दी, वैसे ही लेट हो गया और लेट कर रहे हैं। तो गाइस लोचा बहुत जबरा लोचा हो गया। 7 बजे का शो भी कैंसिल कर दिया गया था और 8 बजे का शो भी कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ इशू है या तो पब्लिक नहीं आई होगी। सो चलते कोई दूसरे सिनेमा, यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। 8:45 चलना पहुँच जाएगा। 8:45 का शो है मिराज का। सो चलते दूसरे थिएटर और ब्लॉग में एंड तक रहना। हर बार बोलूंगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं। आठ बज के 48 मिनट हो चुका है और शायद शो स्टार्ट भी हो चुका है। देखो मूवी स्टार्ट हो चुकी है। सो चलते हैं सीट पे बैठते और मिलते हैं। देखी अवतार दाव में वो फोटर का फर्स्ट हाफ और अभी इंटरवल हुआ है। फर्स्ट हाफ बोलने जाऊँ तो सिनेमेटोग्राफिक और VFX बाप लेवल का था, बाप लेवल। पहली बार हॉलीवुड में मूवी इतनी पसंद आई, मैंने पूरी मार्वल्स देखी। द एंड गेम बाद में कोई ये बेस्ट मूवी लगी सबसे, जो मैं कॉल आया। सो गाइस सबसे खास बात ये है ना ये मूवी में कि उसकी जो 3D है ना वो फील देता है आपको। बहुत कम मूवी का 3D फील देता है, बट इसका फील देता है ऐसा लगता है आपके सामने हो रहा है। बहुत कम मूवीज होती है जिसका फील मूवी 3D देता है। और ये 3D बाप लेवल की है। जो अब वाटर का एक एक सीन ना आपको ऐसा लगेगा कि सामने हो रहा है। सो ये था फर्स्ट हाफ क्लाइमैक्स और सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है वो देखना बाकी है। सो मिलते हैं लास्ट में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं सेकेंड हाफ बाद।
सो फाइनली गाइस मैंने देखा अवतार द वे ऑफ वाटर यानी अवतार का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट 2009 में रिलीज किया गया था भाई, उसके 13 साल काफी लंबे समय के बाद 2022 में इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ जिसका नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। सो फाइनली मैंने वो मूवी देखी और मेरे को देखने के बाद बस यही लगा गाइस मैंने ये मूवी का पहला पार्ट अभी हॉटस्टार पे एक वीक पहले ही देखा था और 3 दिन पहले मैंने इसका एक्सप्लेन हिंदी में सुना था, तो मेरे को काफी ज्यादा हाइप हो गई थी मन में और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ये मूवी को लेके, क्योंकि 2009 में इतनी बाप लेवल की वीएफएक्स यूज कर सकते हैं तो सोचो 2022 में क्या होने वाला, ये मेरे मन में चल रहा था और मैं इस चीज़ को लेके एक्साइटेड ज़्यादा हो गया था। मेरी जितनी एक्सेप्टेशन थी, जितनी सोच थी, मैं लेके सिनेमा तक गया और सिनेमा में टिकट कटाई और जाके मूवी देखा। मूवी देखने के बाद मुझे पता चला कि मैंने जितना एक्सेप्ट किया था उससे भी कहीं ज़्यादा ये मूवी मेरे को सरप्राइज करी है और काफ़ी खुश करी है। मज़ा आ गया देखने में। VFX यार 2009 में जो यूज़ किए थे उससे भी बाप लेवल की VFX इसमें देखने को मिली है, इससे भी खतरनाक सिनेमेटोग्राफी मैंने कभी कोई मूवी में नहीं देखा, सच में कहीं नहीं देखा। सो मूवी ये 3 घंटे 12 मिनट की और मेरे हिसाब से ये टाइम में सबसे वीकनेस पॉइंट ये मूवी के लिए यही था, 3 घंटे 12 मिनट प्लस सिनेमा वालों का 15 मिनट इंटरवल का जोड़ लो, यानी 3.5 घंटे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे सिनेमा में। बट मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि वो 15 मिनट में आप बोर हो सकते हो, बाकी 3 घंटे 12 मिनट में 1% बोर नहीं होगे। मैं ये मूवी का एक लाइन में रिव्यू करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट यूज VFX एंड सिनेमेटिक ग्राफिक इन दिस ईयर। गाइस मैं इसीलिए मूवी को वन ऑफ द बेस्ट VFX एंड सिनेमेटिक ग्राफिक बोल रहा हूँ ये साल का, क्योंकि आप वो मूवी को एक बार 3D में देखना, आप खुद बोलोगे यार क्या बनाया है, एक एक चीज आपको रियल लगेगी, एक एक चीज रियल लगेगी, वो एलियन भी ऐसा लगेगा कि वो रियल है, दुनिया में रह रहे, ऐसा फील होएगा आपको। वो मूवी एक बार देखना। मुझे ये मूवी को स्टार देने का कोई हक नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है मूवी को स्टार देने की, क्योंकि इसको मैं 100 स्टार भी दूँ तो कम है, क्योंकि जो लेवल पे मूवी को बनाया गया ना वो लेवल पे काफ़ी कम मूवीज़ बनती है। और मैं खुद बोलता हूँ आपको कि ये मूवी एक बार जाके सिनेमा में देखो, फर्स्ट पार्ट पहले देखो फिर जाके सिनेमा में देखो और 3D में देखना, आप खुद बोलेंगे भाई क्या दिखा रहा है यार, क्या दिखा रहा है। टिकट प्राइस आपकी वसूल हो जाएगी जितने की भी हो। मेरा ओपिनियन ये था, ये मूवी को जाओ देखने, जो सिनेमा लवर है वो एक बार ये मूवी को जरूर देखना, बहुत मजा आएगी। और 3D में देखना, 3D में भले टिकट महंगी पड़ेगी 3D में, पर देखना अलग ही लेवल का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप जरूर देखना। सो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन भी दबा देना। सो अभी के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।